बबुल सॉर्ट, ये बबुल सॉर्ट यूज करके अभी हमें एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग का मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एलिमेंट्स को। देखिए बबुल सॉर्ट का टेक्निक कैसा रहता है, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अब देखिए एक एग्जांपल में, अब हमारे 6 एलिमेंट एक अरे के अंदर है। अरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। इसमें पूरे 6 एलिमेंट है तो हमारा एन वैल्यू 6 है, माने कि नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। देखेंगे ये कैसा सॉर्ट होता है। बबुल सॉर्ट के अंदर हर एलिमेंट उसके बाजू वाला एलिमेंट से कंपेयर होता है। देखिए अभी जे वैल्यू 0 है, 0 पे इसको रखे हैं, जे वैल्यू 0 है। जब जे का वैल्यू 0 है, ये कंपेयर होता है उसके बाजू वाले एलिमेंट से। अभी जे का वैल्यू कितना है, 0 है, ये ऑफ 0, ये ऑफ 0 माने 50। यहाँ ये आके अरे का नाम होता है और ये इंडेक्स होता है ये ऑफ 0 है, जे माने 0 है, ये ऑफ 0 माने 50 है। ये कंपेयर हो रहा है ये ऑफ जे प्लस 1, जे 0 है तो जे प्लस 1 कितना हो, 1, ये ऑफ 1 से कंपेयर हो रहा है, ये ऑफ 0 और ये ऑफ 1। अब ये ऑफ 0 में क्या है, 50 है, ये ऑफ 1 में क्या है, 45 है, ये ऑफ 0 में जो है वो बड़ा है। जब ऐसा बड़ा रहता है तो दोनों को इंटरचेंज करना है, दोनों को 55 विल बी स्वैप एंड मूव जे। ये दोनों को देखो स्वैप कर दिए, 45 इधर आ गया, 50 इधर आ गया और जे भी मूव हो गया। और तो उसके बाद अभी तो जे का वैल्यू है, अभी जे का वैल्यू है 1, अभी जे का वैल्यू 1 है। अब कौन कंपेयर होंगे, जे का वैल्यू 1 है, 1 में जो है और 2 में जो है, हर एलिमेंट उसके बाद वाले एलिमेंट से कंपेयर होती है। अभी ये जे का वैल्यू देखिए, अब एज नो नीड स्वैप बिकॉज, यहाँ स्वैप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑफ जे में जो है वो छोटा है, इज ए लेस देन ये ऑफ 2। जब जे का वैल्यू 1 होता है, जे प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है, ये ऑफ 1 में लेस देन ये ऑफ 2 है, जो 50 छोटा है 70 से, तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट जे को मूव करो। अभी जे का वैल्यू 2 है तो जे का वैल्यू 2 है तो अब स्वैप करना पड़ेगा दोनों, क्योंकि ये ऑफ जे में जो है वो ये ऑफ जे प्लस 1 में जो है उससे भी बड़ा है, तो स्वैप करना पड़ेगा। ये ऑफ जे इज ग्रेटर देन ये ऑफ जे प्लस 1, देन 70 एंड 2 विल बी स्वैप्ड एंड मूव जे। तो स्वैप भी कर दिया, 70 को इधर ला दिया, 2 को इधर ला दिया और जे को मूव भी कर दिया हम लोग। अब नेक्स्ट, अब कंपेयर हो रहा है या जे 3 पहना, अब 3 और ये 4, ये ऑफ 3 में क्या है, ये ऑफ 4 में क्या है, ये ऑफ 3 में जो था, ये ऑफ 3 में जो था वो क्या था, वो 3 में, ये ऑफ 3 में, यहाँ देखे तो ये ऑफ 3 में 70 था, तो इसे स्वैप करना जरूरी है। ये ऑफ 4 में छोटा है कि बड़े को लास्ट को लेके जाना है एंड मूव कर दिया जे को, तो 70 इधर आ गया, 33 इधर आ गया, जे भी आगे बढ़ गया। तो उसके बाद यहाँ पे अभी जे 4 पे है तो 4 और 5 को हम कंपेयर करेंगे, 4 और 5 को कंपेयर करेंगे तो चेंज करना पड़ेगा, 4 में छोटा है तो कंपेयर कर स्वैप कर दिए, तो 70 इधर आ गया, 44 इधर आ गया, तो हो गया। जे को यहाँ तक लगाइए और आगे मत बढ़ाइए, और जे को यहाँ तक लाओगे तो उसके बाद कंपेयर करने वाला नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे ही खड़ा करिए। तो हमारे एलिमेंट्स कितने थे, 6 थे। हमारा लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या था, 5 था, मगर हमको कहाँ रोकना है, और सेकंड लास्ट एलिमेंट के पास ही रोक देना है कि जब जे का वैल्यू 4 है तो 5 से तो कंपेयर कर ही लिया ना, अब 5 पे जाके 6 पे फिर कंपेयर करने की क्या जरूरत है। तो उसके बाद होगा, उसके बाद हाँ हो गया, अभी एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया तो लूप तो खत्म हो गया, तो सॉर्ट पूरा नहीं होता है। ये एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया, जो सबसे बड़ा एलिमेंट जो था वो लास्ट को आ गया है, तो बाकी एलिमेंट का क्या होगा, तो फिर पहले से करो और एक एलिमेंट सॉर्ट होगा, फिर पहले से करो। इस बार जे को यहां से लेके 3 तक लाके खड़ा कर देना, क्योंकि 3 तक आया तो 4 से कंपेयर कर लेगा और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ये एलिमेंट में आ जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, फिर पहले से करे तो और एक एलिमेंट सॉर्ट होगा। ऐसा करते हुए इसको सॉर्ट करना है, तो अभी एक ही एलिमेंट सॉर्ट हुआ है। द अबो प्रोसेस इज रिपीटेड, या वो ये प्रोसेस को रिपीट करो फॉर रिमेनिंग अरे टिल द होल अरे इज सॉर्टेड। अभी जो करे हैं तो 6 एलिमेंट के ऊपर जो करे हैं, अभी 5 एलिमेंट के ऊपर आपको वही ऑपरेशन करना है। आप करोगे तो और एक एलिमेंट सॉर्ट होगा, फिर यही ऑपरेशन 4 एलिमेंट के ऊपर करोगे, वही स्टार्टिंग से ऐसा करते आएंगे तो एक एक एलिमेंट सॉर्ट होता रहेगा। ये इसका एग्जाम्पल था, तो एग्जाम्पल मैं पूरा बता रहा हूँ कि आपको नोट्स भी इसके साथ साथ मिल गया है, इसलिए हम वीडियो में इसको क्लियर से बता रहे हैं, इसको वीडियो में हम क्लियर से बता रहे हैं। और एक बात है,
देखिए एग्जाम्पल के बाद हम अभी इसमें आएंगे बबल सॉर्ट होता क्या है। देखिए बबल सॉर्ट का थ्योरी नोट्स देखिएगा। इन दिस मेथड टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर टू बिगन विद द जीरोथ एलिमेंट इज कंपेयर विद द फर्स्ट एलिमेंट। जो जीरो इंडेक्स जो था उसके अंदर जो एलिमेंट था उसे फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना, हर एलिमेंट उसके बाद वाले एलिमेंट से कंपेयर करना। इफ इट इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन द फर्स्ट एलिमेंट देन दे आर इंटरचेंज। जरूरत पड़ी तो इंटरचेंज करना, समझो जीरो असेंडिंग करना है, जीरो में बड़ा एलिमेंट है तो इंटरचेंज करना। देन द फर्स्ट एलिमेंट इज कंपेयर टू द सेकंड एलिमेंट, जो वन इंडेक्स वन पे जो है वो सेकंड वाले से कंपेयर करना। इफ इट इज फाउंड टू ग्रेटर देन दे आर इंटरचेंज। इन द सेम वे ऑल द एलिमेंट्स आर कंपेयर विद देयर नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट गेट प्लेस्ड एट द लास्ट पोजिशन। ऐसा कर लेते हैं, पूरा फिनिश करो क्या रे, तो एक एलिमेंट स्टार्ट हो जाएगा जो लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट लोकेशन। सिमिलरली इन द सेकंड इटरेशन देर शुरू करना है, द कंपेरिजन आर मेड टिल द लास्ट बट वन एलिमेंट एंड दिस टाइम द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट गेट प्लेस एट सेकंड पोजिशन। अब एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी का सेम प्रोसेस फिर फर्स्ट से करना है तो और एक एलिमेंट सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट सेकंड पोजिशन को आ जाएगा लास्ट से। एज अ रिजल्ट आफ्टर ऑल द इटरेशन द लिस्ट बिकम ए सॉर्टेड लिस्ट। ये पूरे ऑपरेशन आप करोगे तो ये सॉर्ट हो जाएगा। अभी तो थ्योरी देखे हैं, अब तो एल्गोरिथम देखिए। अब देखो ये आरे है एन में आके, ये आरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो एन में है, एन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और ये आरे है। तो अब स्टार्ट हो जाएंगे, अब ये पहला लूप स्टार्ट है। अभी तो मैं वहां एग्जांपल ये बताया था ना, इसका देखिए एल्गोरिथम, आई का वैल्यू अभी क्या है वन है, ये ट्रू हो जाता। एन में समझो कि सिक्स है तो ये ट्रू होता, ये ट्रू हुआ तो क्या होता, ये लूप स्टार्ट होता। जब भी आउटर लूप ट्रू होने के बाद इनर लूप को आता, इनर लूप खत्म हुए तक अभी हैं ही चलेगा वो। जे का वैल्यू जीरो है, जे का वैल्यू जीरो है तो आप एग्जांपल में देखे थे जब जे का वैल्यू जीरो है तो कोसे दो कंपेयर होते। अब देखो ये लूप ट्रू होते छह को आता, जे का वैल्यू जीरो है तो ये आप जीरो, अब ये आप वन कंपेयर हो रहे हैं, ये आप जीरो में बड़ा एलिमेंट है तो इंटरचेंज हो रहे हैं। एक टेम्प नाम का एक ऑर्डिनरी वेरिएबल लिया, ये एल्गोरिथम है, टेम्प को हम कहीं नहीं डिक्लेयर करें, आप चाहेंगे तो यहाँ डिक्लेयर कर ले सकते हैं, ये कोड में भी लिख सकते हैं आप। अच्छा इंटरचेंज देखिए किसी किसे इंटरचेंज कर रहे हैं, ये आप जे में जो है उससे और ये आप वन जे प्लस वन में जो है उससे। तो टेम्प एक थर्ड वेरिएबल लिए, या आप जीरो में जो है उसे टेम्प में रखे, या आप जीरो में या फोन को रखे, फिर या फोन में जो टेम्प में रखे था। ये कंप्लीट होने के बाद स्वैप देखे सीधा जाता है ऐसा ऐसा इनर लूप को जाता है, क्योंकि इनर लूप खत्म होने के बाद ही फिर आउटर लूप को जाएगा। अब आई का वैल्यू कितना होगा, वन होगा, जब आई का वैल्यू वन होगा तो कोसे दो कंपेयर होंगे बताइए, या फोन में जो है या टू में जो है, या फोन में बड़ा है तो इंटरचेंज करके फिर जाएगा। समझो जे टू हुआ तो कोसे दो कंपेयर होंगे, या टू और या थ्री, या टू में बड़ा नहीं है तो वापस ऐसा चल जाएगा, ट्रू हुआ तो जाके स्वाप करेगा तो उसके ऊपर चल जाएगा। ऐसा करते करते छह एलिमेंट बोले ना, तो छह एलिमेंट बोले तो एन में छह रहता है सिक्स, आई का वैल्यू वन है ना, तो इसका फर्स्ट राउंड चल रहा है तो फर्स्ट एलिमेंट को सॉर्ट करने जा रहे हैं। आई में अभी वन है तो एन माइनस वन माने कितना हुआ, फाइव हुआ, तो फाइव तक भी नहीं जाएगा, यहाँ लेस देन फाइव लिखा हुआ है ना, फोर तक ही जाएगा। जब ये फोर है फाइव से कंपेयर कर लेगा, फाइव में जो एलिमेंट है वो सिक्स एलिमेंट होती ना, कंपेयर कर लेगा। देखो इंडेक्स हमारा जीरो था इसलिए जीरो से स्टार्ट करें हैं, ऊपर में आके वन से स्टार्ट इसलिए करें हैं कि ये फर्स्ट राउंड है बताने के लिए, बस ये इंडेक्स का है ये। अच्छा ये हो जाने के बाद इनर लूप जब फॉल्स होता है तो समझ गए एक एलिमेंट शॉर्ट हो गया है। अब ये क्या है, जीरो पे गया जीरो वन कंपेयर हुआ, वन पे गया तो वन टू कंपेयर हुआ, और टू पे गया टू। अब समझ हमारे एलिमेंट सिक्स थे तो फोर तक गया है, फोर और फाइव कंपेयर हुए, जरूरत पे इंटरचेंज भी हो गया। अब यहाँ देखिए ये फॉल्स होने के बाद फिर जाता है, अब आई का वैल्यू वन था ना, अभी टू होगा, अब टू होगा तो फिर आएगा, अब ये फिर जीरो से शुरू होगा। इस बार कहाँ तक जाएगा देखेंगे, एन में सिक्स था ना, हमारे सिक्स एलिमेंट थे ना, अब देखेंगे एक बार क्या है, लास्ट टाइम फोर तक गया था, आई का वैल्यू टू चल रहा है ना, तो टू माने सेकंड, ये एक बार ट्रू होता है आउटर लूप, यहाँ एक एलिमेंट शॉर्ट हो जाता है। जब आई का वैल्यू वन था तो इनर लूप को आया, इनर लूप फिनिश होते होते एक एलिमेंट शॉर्ट हो गया। अब आई का वैल्यू टू हुआ तो इनर लूप को आया तो अब ये खत्म होते होते और एक एलिमेंट शॉर्ट हो जाएगा। अब जितने एलिमेंट है उतने बार ये ट्रू होगा। अभी यहाँ आने के बाद देखो, अब आई की वैल्यू टू है ना सेकंड राउंड में, अभी क्या हुआ, ये सिक्स माइनस टू कितना हुआ, फोर हुआ, लेस देन फोर बोलो थ्री तक ही जाएगा लास्ट सेकंड टाइम, थ्री फोर कंपेयर होंगे। अब तो फाइव में जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको कई को फिर कंपेयर करेंगे, ऐसा चलता रहा। अब यहाँ ऐसा भी रख सकते हैं एन माइनस वन,
तो जब आई की वैल्यू वन है तो आहा को आता है, ये फिनिश होते होते एक एलिमेंट शॉर्ट होता है। जब आई का वैल्यू टू होता है सेकंड टाइम है को आएगा तो और एक एलिमेंट शॉर्ट होगा, जितने एलिमेंट है उतने शॉर्ट होना ना हो तो लास्ट एक ही एलिमेंट जब बचता है तो उसे क्या शॉर्ट करेंगे, जब एक ही बचता है उसके बाद से एन माइनस वन भी कर डाल सकते हो। एक ही एलिमेंट बचा है उसके कोई कंपेरिजन जरूरत नहीं ना, वो एक ही अब बच का है उसका से एन माइनस वन भी लगा सकते हैं। ये बबुल शॉर्ट का एल्गोरिथम है। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरे पूरे वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगे। थैंक यू।